Ambivalent. What? Ambivalent. What? Ambivalent. Oh, ambivalent. So ambivalent is an adjective, and the meaning is having mixed feelings or contradictory ideas about something or someone. Similar words are equivocal. Equivocal means same type of sounds, sounding similar, like mixed, uncertain, unsure, doubtful, indecisive, inconclusive, irresolute, undecided, unresolved, on the horns of a dilemma, torn, hesitating, fluctuating, wavering, vacillating, equivocating, mixed, opposing, conflicting, contradictory, clashing, confused, muddled, vague, hazy, unclear, iffy. Okay. Unequivocal is opposite to it. That means certain or not mixed. It's very clear, very articulate. Okay, so iska Hindi meaning dekh lete hai na? Kya problem hai? Hindi meaning, wait. Hindi meaning. Hindi meaning. Kya hota hai iska? Ubhay bhavi. Baap re. इतना शुद्ध हिंदी तो मुझे समझ में नहीं आता है. उभयभावी मतलब द्वैतवृत्तिक एम्बिवेलेंट. उभयभावी मींस, उभय मींस दो टाइप का फील करना, मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स लाइक, हो सकता है इसका मीनिंग, पता नहीं. उभयभावी इतना शुद्ध हिंदी तो कोई मैंने सुना ही नहीं पहले. दो विरोधी मूल्यों या गुणों में से एक या दोनों को धारण करने वाला. एक या दोनों समझ में नहीं आ रहा है ना. उभयभावी सिर्फ बोलने से भी समझ में नहीं आ रहा, वो तो दूसरा देख लेते हैं. एम्बिवेलेंट विशेषण. विशेषण मतलब एडजेक्टिव. इफ़ यू आर एम्बिवेलेंट अबाउट समथिंग, यू आर नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक अबाउट. सो अनिश्चित किसी चीज़ के बारे में दोहरे मनोभाव वाला. हाँ ओके. अनिश्चित मीन्स इट्स नॉट श्योर, इट्स नॉट सर्टन, एंड यू हैव टू types of this. That's like ambiguous, no? Ambiguous. That means feelings. Ambiguous feelings or ambivalent. So two. Ambi matlab two. That is ambi. Wo to pre kya kehte hai usko? Prefix ho gaya wo. Ambi. To uska matlab hota hai do. Okay. So ambivalent means do type ka meaning ya feeling rakhne wala. Koi situation. Ambivalent. Dohre manobhav wala. अनिश्चित किसी चीज़ के बारे में दोहरे मनोभाव रखने वाला. शी रिमेंड एम्बिवेलेंट अबाउट हर मैरिज मीन्स वो अपनी शादी के विषय में दो भाव में रहने लगी, दोहरे भाव में रहने लगी. मतलब उसको श्योर नहीं है. श्योर है, कभी कभी लगता है कि शादी कर लूँ, कभी कभी लगता है कि शादी ना करो. यानी कि कभी कभी लगता है कि ये खरीद लूँ, कुछ खरीदने गई है दुकान पे. कभी कभी उसको मन करता है कि खरीद लूँ, फिर कभी मन कर रहा है कि नहीं भी खरीदूँ. दो टाइप का मन है उसका, उसको मनोभाव दोहरे मनोभाव के कहते हैं उसको. सो किसी चीज़ के बारे में दो तरह की भाव आ रहा है, जैसे कि हाँ या ना दोनों साथ में ही आ रहे हैं, तो श्योर नहीं हो पा रहा कि हाँ या ना. सो ऐसा सिचुएशन बहुतों को आता है, हमेशा आता है ऐसा सिचुएशन. और ऐसा सिचुएशन हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसा समय आता है जहाँ की दो मन हो जाते हैं और दोनों ही बराबर के भाव में रहते हैं, बराबर की शक्ति में रहते हैं. जैसे कि 100-100 यू फील येस एंड नो बोथ एट 100%. सो यू आर नॉट श्योर, यू कांट डिसाइड, यू बिकम इनडिसाइसिव एट दैट मोमेंट. समझे? तो उसे कहते हैं एम्बिवेलेंस और एम्बिवेलेंट. समझ में आया? मुझे तो नहीं आया उतनी तरह से, शायद तुम्हें आ गया होगा. दो मन रहना और दोनों मन 100% श्योर लगना और डिसाइड नहीं कर पाना हाँ या ना. हाँ भी हो 100% और ना भी 100%, तो हाँ या ना कुछ श्योर ही नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों तो 100% है, तो किसको चुनो? एक ही ना चुन सकते हैं, वो भी नहीं चुन पा रहे, तो इनडिसाइसिव हो जाता है उस समय. तो उसको कहते हैं एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट सिचुएशन.
ओके बस।